हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय एदास गुप्ता एंड ए बनर्जी का सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें हम टॉपिक एलजेब्रा की 6th यूनिट लॉगरिथम की एक्सरसाइज 6B सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने बाकी की वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ए पार्ट, इफ y इज इक्वल टू m क्यूब इंटू n टू द पावर 4 होल अपॉन 16 p स्क्वायर, देन प्रूव दैट 3 log m प्लस 4 log n इज इक्वल टू 4 log 2 प्लस 2 log p प्लस log y। सो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको मैं रीराइट कर ले रही हूँ। y इज इक्वल टू m क्यूब इंटू n टू द पावर 4 अपॉन 16 p स्क्वायर। नाउ आई विल बी टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो आई कैन राइट दिस एज log y इज इक्वल टू log m क्यूब, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस log n टू द पावर 4, और ये डिविजन में है तो हम इसको लिखेंगे माइनस log 16 माइनस log p स्क्वायर। फर्दर हम इसको और लिख सकते हैं, ये जो पावर है वो इधर आ जाएगी 3 log m प्लस 4 log n माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 को एज 2 टू द पावर 4 माइनस 2 log p। अगेन रीराइटिंग log y इज इक्वल टू 3 log m प्लस 4 log n माइनस, टेकिंग दिस 4 log 2 माइनस 2 log p। नाउ आई विल बी राइटिंग दिस फर्स्ट ऑन द LHS साइड, और ये जो नेगेटिव वाले टर्म्स है वो मैं इस साइड ले जाऊंगी और इसको एज इट इज यहीं छोड़ देंगे। तो फर्दर वी कैन राइट दिस एज 3 log m प्लस 4 log n, ये मैंने पहले लिख लिया है। नाउ आई विल बी शिफ्टिंग दिस नेगेटिव साइन ऑन द अदर साइड, सो पहले हम लिखेंगे एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 log 2 प्लस 2 log p प्लस log y। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन से ही आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ओके, सेकेंड पार्ट इज इफ p इज इक्वल टू 50y स्क्वायर इज कंप्लीट का होल क्यूब होल अपॉन 81x क्यूब, देन प्रूव दैट log बेस 10 p प्लस 3 log x बेस 10 माइनस 6 log y बेस 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 log 2 बेस 10 माइनस 4 log 3 बेस 10। तो मैंने यहां पर एक चीज मिस कर दी थी, ये नेगेटिव में ले ली थी, अब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट करूंगी एज p इंटू 81 इंटू x क्यूब इज इक्वल टू 50 होल क्यूब इंटू y टू द पावर 6। ओके, सो नाउ टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, सो हियर वील गेट log p प्लस log 81 प्लस log x क्यूब इज इक्वल टू log 50 को हम अभी एज इट इज लिख रहे हैं प्लस log y टू द पावर 6। ओके, सो log p एज इट इज रखेंगे, और यहां पर 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, सो log 3 टू द पावर 4 प्लस log x क्यूब इज इक्वल टू log 50 को हम ब्रेक कर सकते हैं एज 5 स्क्वायर इंटू 2 होल क्यूब प्लस log y टू द पावर 6।
Again, we can rewrite this as log p plus, इस 4 को हम इस साइड ले जाएंगे, 4 log 3 plus, इस 3 को हम बाहर ले जाएंगे, 3 log x is equal to log, यहां पर हम इस पावर को बाहर ले जाएंगे and we'll get 5 square into 2 plus 6 log y. Okay, again we can rewrite this as log p plus 4 log 3 plus 3 log x. इसको further मैं divide कर दूंगी, so we can write this as 3 log 5 square plus 3 log 2 plus 6 log y. Okay, so इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा. Again rewriting, so we can write this as log p plus 4 log 3 plus 3 log x is equal to 6 log 5 plus 3 log 2 plus 6 log y. So here we get log p plus 3 log x plus, sorry, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो minus 6 log y is equal to 6 log 5 plus 3 log 2, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, minus 4 log 3. अब हम यहां देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको minus 3 log 2 चाहिए, लेकिन यहां plus 3 log 2 है. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, log p plus 3 log x minus 6 log y is equal to 6 log 5. अब इसमें मैं 3 log 2 add करूंगी और 3 log 2 minus करूंगी. So यहाँ पर जब हम 3 log 2 add करेंगे, this becomes 6 log 2 minus 3 log 2 minus 4 log 3. So यहाँ पर 3 log 2 आ ही गया है अपने पास minus में. Now इसमें से हम 6 common ले लेंगे. So we'll get here log p plus 3 log 10 log x minus 6 log y is equal to 6 log 5 into 2 हो जाएगा. Okay, 6 common ले लिया, log 5 plus log 2 को हम log 5 into 2 लिख रहे हैं, minus 3 log 2 minus 4 log 3. This becomes log 10. जब भी आपके पास कोई बेस नहीं होता है, we assume the base as 10. तो हम अब इसको लिख सकते हैं, log of 10, base 10, p, 3 log of x, base 10, minus 6 log of y, base 10, is equal to 6 log of 10 to the base 10, minus 3 log of 2 to the base 10, minus 4 log of 3 to the base 10. इसकी वैल्यू हो गई 1. So finally we'll get this as the answer. यहाँ पर इसको हम 1 लिख सकते हैं, because log of the number and the base अगर same है तो ये 1 हो जाता है. इसको rewrite करेंगे and we can write this as 6 minus 3 log of 2 to the base 10 minus 4 log of 3 to the base 10. Hence this is the answer. Next is question number 12, A part. If x square plus y square is equal to 23xy, prove that log of x plus y upon 5 is equal to 1 by 2 of log x plus log y. तो यहां हम x square plus y square is equal to 23xy हमको given है. अब हम दोनों side इसको 2xy add कर देते हैं. So x square plus y square plus 2xy is equal to, इसमें 2xy add करेंगे तो 25xy हो जाएगा. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, adding 2xy
on both sides. Okay, so this becomes x plus y का होल स्क्वायर और यहां पर ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर एक्स वाई. ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स वाई. फर्दर हम y इस 5 को नीचे ले जाएंगे, x प्लस वाई होल अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स वाई टू दी पावर 1/2. नाउ वी कैन टेक log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. सो यहां पर आ जाएगा log ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू log of x y to the power half. फर्दर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log of x plus y divided by 5 is equal to 1/2. ये तो हमने बाहर लिख दिया, x y मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम लिख सकते हैं log of x plus log of y. Hence proved, क्वेश्चन में जो दिया था वो हमारे पास आ गया है. Moving on to the next part. Next part is B. If A square plus B square is equal to 11AB and B is greater than 0 but less than A, prove that log A minus B whole upon 3 is equal to 1/2 into log A plus log B. So, yahan main isko rewrite kar leti hoon. A square plus B square is equal to 11AB. I'm going to subtract 2ab on both sides. Okay, so here we'll get a square plus b square minus 2ab. Yahan par 11 mein se hum minus karenge 2ab, we'll get 9ab and this becomes a minus b whole square, so 3 square ab. Now taking square root on both sides. So we can write this as a minus b is equal to 3 ka root na hum nikalenge to 3 and under root of ab. Further taking this 3 in denominator, so a minus b upon 3 is equal to ab to the power half. Now taking log on both the side, so this becomes log of a minus b upon 3 is equal to log of ab to the power half. So we can write this as log of a minus b divided by 3 is equal to 1/2. To bahar aa gaya, yahan par hum isko likh sakte hain log of a plus log of b. Hence proved. Next is question number 13, A part. If log s minus log pi is equal to 2 log 2 plus 2 log r, express the relation between s and r free from logarithm. So, yahan par hum isko is tarike se likh sakte hain, log s minus log pi is equal to log 2 ka square plus log r ka square. Isko main further aise likh sakti hoon, 2 log 4 plus log r square. जब ये divide हो रहा है तो ये minus हो जाता है log, so मतलब हम इसको लिख सकते हैं s upon pi. ये plus हो रहा है तो मतलब ये multiply हो रहा है, log 4 r square. Okay, so now we can write this as on comparison, on comparison, we can say s upon pi is equal to 4 r square. So, s is equal to 4 pi r square. So, this is the expression free from logarithm. Next part B, if
log y base 10 plus 2 log x base 10 is equal to 2 express y in terms of x. So यहां पर हम लिख देते हैं इसको as log y to the base 10 plus log x का square to the base 10 is equal to 2 into 1 लिख सकते हैं और 1 का मतलब हो गया हम इसको लिख सकते हैं as log of 10 base 10. इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे so log of 10 square to the base 10 मतलब हम इसको log 100 to the base 10 लिख सकते हैं. फर्दर हम यहां पर इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं as log of base 10 x square y is equal to log of base 10 100. इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे we can write x square y is equal to 100 और हमको y के लिए एक्सप्रेशन चाहिए therefore we can say y is equal to 100 upon x square. So hence this is the answer. Next part is C. If log x plus y whole upon 2 is equal to 1 by 2 log x plus log y, prove that x is equal to y. तो मैं ये statement repeat नहीं करूंगी. Now we can write this as log x plus y whole upon 2 और ये जो 2 1 by 2 है इसको हम अंदर multiply कर देंगे. So 1 by 2 log x plus 1 by 2 log y. Similarly, इस power को हम अंदर ले जाएंगे. So this becomes log of x to the power half plus log of y to the power half. Rewriting the statement as log of under root x plus log of under root y. As we know the formula, we can write this as log of under root x into under root y. ये x है और ये multiplication वाला cross है. So this becomes log of under root of x y. So here we have log x plus y whole upon 2. Okay, so on comparing this, we'll get this as x plus y whole upon 2 is equal to under root x y. Now, squaring both sides. Squaring both sides. We'll get this as x plus y upon 2 whole square is equal to under root of x y whole square. So we can rewrite this as x plus y whole square upon 4 is equal to xy. Further we can write this as x square plus y square plus 2xy और यहां पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे. So this becomes 4xy. Taking this 4xy on the other side, we can rewrite this as x square plus y square minus 2xy. Because 2xy and minus 4xy will give minus 2xy is equal to 0. और ये formula होता है, x minus y whole square is equal to 0. So अब हम लिख सकते हैं that x minus y is equal to 0. So यहां से हम x is equal to y प्रूफ कर सकते हैं. So hence proved. Next part is solve for x. First part, log of x to the base 10 is equal to 1 plus log of 3 to the base 10. So यहां पर हम इसको लिख सकते हैं log of x to the base 10 is equal to 1 को हम लिख सकते हैं log of 10 to the base 10 plus log of 3 to the base 10. ये दोनों same हैं. So log of 10 into 3 लिख सकते हैं इसको to the base 10. So this comes out to be log of 30 to the base 10. On comparing this, we can write this as x is equal to 30. Next part B, 2 minus log x is equal to 2 log 5 minus 3 log 3 plus log 36. So यहां पर हम 2 को as 100 log लिख सकते हैं. Because log of 10 होता है 1. So log of 100 हो जाएगा 2. Log of 1000 हो जाएगा 3. Because हम इसको लिख सकते हैं as log 10 का square. Okay, so इसलिए इसकी value होती है 2. So हम 2 को लिख रहे हैं log 10, 100 minus log x is equal to, ये हो जाएगा log 5 का square minus log 3 का cube plus log 36.
ओके सो अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को यहां ले जाएंगे, सो लॉग 100 अपॉन एक्स हो जाएगा और यहां हो जाएगा लॉग 25, ये माइनस का है, क्यूब है तो यहां आ जाएगा 27 एंड मल्टीप्लाइड बाय 36. ओके सो दिस इज द कंप्लीट लॉग. अब हम इसको कंपेयर कर देंगे. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट 100 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 36 अपॉन 27. नाउ वी कैन कैंसिल दिस. 9 3 9 4, टेकिंग एक्स ऑन अदर साइड, ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी. 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 25 इंटू 4, सो 25 4 से ये 4 कैंसिल, सो हेंस वील गेट एक्स इज इक्वल टू 3 एज द आंसर. नेक्स्ट इज अ सी पार्ट, लॉग ऑफ 3x माइनस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 लॉग 2 ऑफ बेस 10. सो यहां पर हम इसको लिख पाएंगे लॉग 3x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 10. 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं एज लॉग 8 टू द बेस 10. ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट दिस एज 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड 3x इज इक्वल टू, इस 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9. सो x विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 3 विच इज 3 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज d, लॉग ऑफ 10x प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2. सो यहां पर हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं एज 10x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 4 और इस 2 को हम लॉग 100 लिख सकते हैं जैसा आई हैव शोन यू प्रीवियसली. सो हैंस ऑन कंपेयरिंग, यहां पर आप लिख दें ऑन कंपेयरिंग वी कैन गेट 10x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 100. सो फर्दर ये हो जाएगा 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 4. सो फर्दर वी कैन राइट दिस एज 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 100x माइनस 400. ओके अब हम x की वैल्यू एक साइड और नंबर एक साइड लिख लेंगे. सो वील गेट दिस एज 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 5 प्लस 400. सो यहां पर आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 405. सो वी कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 90. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 45 से, 45 नाइन जा एंड 45 टू जा, सो 9 बाय 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज log of x minus 1 to the base 2 is equal to 1 plus log of 2x minus 3 to the base 2. So here we can write this as log of x minus 1 to the base 2 is equal to, हमको 1 चाहिए और base 2 है, so हम इसको लिख सकते हैं log of 2 to the base 2, log of 2x minus 3 to the base 2. इसको हम combine करके लिख सकते हैं as log of 2 इंटू 2x माइनस 3 टू द बेस 2. अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 3. फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 6. सो टेकिंग x ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड, सो 4x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6 विच विल गिव 3x इज इक्वल टू 5. So x will be equal to 5 upon 3 is the answer. Next part is f, log of under root x plus 1 plus log of under root x minus 1 is equal to 1. हम इसको rewrite कर सकते हैं log of under root x plus 1 into under root of x minus 1 और 1 को हम लिख सकते हैं as log 10. And this becomes log of a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू log 10. ऑन कंपेयरिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 10, सो x विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11. सो x की वैल्यू यहां आ गई है 11. क्वेश्चन नंबर
Question number 15. If P is equal to log 20 base 10 and Q is equal to log 25 base 10, find X such that 2 log X plus 1 to the base 10 is equal to 2P minus Q. So, यहाँ पर हम ये P और Q की value substitute कर देंगे. So, we can write this as 2 log X plus 1 to the base 10 is equal to 2 into log 20 to the base 10. Q की value है log 25 to the base 10. Further, हम इसको rewrite करके लिख सकते हैं log of 20 square to the base 10 minus log of 25 to the base 10. इसको मैं फिर rewrite करूंगी, so we can write this as log of 400 to the base 10 minus log of 25 to the base 10. अब हम इसको लिख सकते हैं as 2 log of 10. इसको एक काम करते हैं, अंदर ले जाते हैं. So यहाँ पर आ जाएगा x plus 1 का whole square is equal to log of base 10 400 divided by 25. So now on comparing we can write this as x plus 1 whole square is equal to 400 upon 25. Taking square root on both sides. आप चाहे तो स्क्वायर खोल के कर सकते थे, लेकिन यहां पर x स्क्वायर आ जाता है, इसलिए मैं स्क्वायर रूट ले रही हूं. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 20. सो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 20. सो 5x इज इक्वल टू 15. इस 5 को हम इस साइड ले गए. So x will be equal to 15 upon 5. इसको cancel out किया 3 times. So x is equal to 3 is the answer. I hope आपको मेरे solution video जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी doubt या query है तो आप मेरे channel के comment section में comment करके या फिर मेरे telegram group जिसकी link मैंने description box में mention की है वहां से आप उसे connect कर सकते हैं, अपने doubts and queries पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.